हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोवा यूनिवर्सिटी में पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका लास्ट डेट क्या है, किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, राइट, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, राइट, और किस कौन कौन सब्जेक्ट में कितनी ओपनिंग्स है, इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप गोवा जो यूनिवर्सिटी है उसको आप ओपन करेंगे। इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। फिर आपके सामने यहाँ पे पॉपअप आ रहा है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जीयू पेड सितंबर, राइट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का जो पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहाँ पे अनाउंसमेंट एंड नोटिस लिखा हुआ होगा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सितंबर 2023। एडमिशन नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इनका जो ब्रॉशर है, जो इनका बुलेटिन है, वो ओपन हो जाएगा। इसमें तो नोटिफिकेशन दिया गया है गोवा यूनिवर्सिटी का, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम सितंबर 2023, ये 29 को रिलीज़ करा गया था। एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड एट द यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूशंस अफिलेटेड टू गोवा यूनिवर्सिटी शैल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। ये इसकी डेट है। द लिस्ट वैकेंसीज ऑफ रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ गाइड्स एंड द एरिया ऑफ रिसर्च रिजर्वेशन आर गिवन। इनके इस एनेक्चर में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और किस डिपार्टमेंट में है, उसका गाइड क्या रहेगा, आपका रिजर्वेशन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वेबसाइट आपको ओपन करनी है। आप इसका देखिए, आपको ये पूरा चेक करना है बिफोर अप्लाइंग। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, कमिसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इसकी 14 तारीख, लास्ट 14 अक्टूबर है। कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू आपका होगा 20 या 21 को होगा, टू डेज आपका इंटरव्यू 20 या 21 अक्टूबर का इंटरव्यू होगा। और डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ द इंटरव्यूज, राइट, वो आपका 31 को आपका पूरा आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। आप डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आ जाएगी। फिर लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएगा, राइट। तो ये पूरा, और लास्ट डेट ऑफ फीस ऑफ पेमेंट 13 आपका नवंबर। तो पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, राइट, अगर आप एलिजिबल हैं। क्या क्या दिया गया यहाँ पे, कैंडिडेट हुए ऑब्टेन 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर 4 ईयर्स बैचलर डिग्री। अगर आपने यहाँ पे 4 साल की कोई बैचलर डिग्री किया है और आपने 1 साल का कोई मास्टर डिग्री किया, देन आप एलिजिबल हैं। या जो नॉर्मल आपका प्रोसेस चलता है 3 ईयर्स बैचलर डिग्री और 2 ईयर्स की मास्टर डिग्री, देन आल्सो आप अब एलिजिबल हैं, राइट। तो आपके एटलीस्ट मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें ही क्राइटेरिया दिया गया है। बट यहाँ पर क्या है, जो 5% का रिलैक्सेशन भी है फॉर बिलोंगिंग टू एस सी एस टी ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर विद द पर्सन डिसेबिलिटी PWD इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो EBS हैं या नॉन क्रीमी लेयर है, OBC SC ST, इनको 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया मार्क्स का। और इसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द फेलोशिप स्कॉलरशिप इन UGC NET, UGC CSIR या UGC GATE। अगर कोई आपने इस लेवल का एग्जाम की जो आपने फेलोशिप मिली है, आपने क्वालिफाई करा है, तो आपको, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, देन आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट नॉट फॉलोइंग ए, अगर आप इस कैटेगरीज में नहीं आते हैं बट यू हैव क्वालिफाइड नेट सेट लेक्चरशिप शैल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम ऑन इंटरव्यू। ये भी आपको, अगर आपने JRF किया है, राइट, या आपने तो आप कोई फेलोशिप मिली तब भी आप एलिजिबल हैं, आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप JRF नहीं, ओनली आपने नेट किया है, देन आप एलिजिबल हैं बट आपका इंटरव्यू होगा। बट यहाँ पर देयर विल बी अ 70% वेटेज फॉर द स्कोर ऑफ NET, जो आपका नेट है या जो सेट है उसका 70% वेटेज होगा, और जो आपका 30% वेटेज आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट नॉट फॉलोइंग ए एंड बी, जो कैंडिडेट्स ए और बी में नहीं आते हैं, राइट, उनके लिए क्या है, सेल हैव टू आंसर द एंट्रेंस टेस्ट है। तो जो इसने अभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराया था उनके लिए है, राइट, एलिजिबल अटेंड इंटरव्यू एंड 70% वेटेज फॉर द इंटरव्यू एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू, ये दिया गया है इसके अंदर। अब एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम टू सितंबर 2023 सेशन इज ओपन टू द फॉलोइंग, इनके लिए ओपन है,
राइट, और कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एमफिल डिग्री बाय द डिस्टेंस मोड आर नॉट एलिजिबल। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है कि अगर जो आपकी एमफिल डिग्री है वो डिस्टेंस मोड में है देन यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है। ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द गोवा एंट्रेंस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है, कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022 एंड अगस्त 2023, जिन्होंने अगस्त 2002 में या सॉरी 2022 में या 2023 में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है वो इसके लिए अपियर हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सीनियर सिटीजन हु आर अदरवाइज क्वालिफाइड बट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अपेयरिंग एट द टाइम ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जो सीनियर सिटीजन है वो इसके लिए एग्जेम्प्टेड है, वो डायरेक्टली उसमें इंटरव्यू अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस है, एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको ये लिंक ओपन करना है, आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पूरा किस प्रकार फिल करना है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, राइट। अब एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, जो अनरिजर्व है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपकी 700 रुपये है पर सब्जेक्ट है, और एससी एसटी लिए आपका 350 है पर सब्जेक्ट है, राइट। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उसके लिए आपके कोई फीस नहीं, नील है, राइट। कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स, कैंडिडेट यहाँ पे मैक्सिमम 3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक कॉमर्स में कर सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज में कर सकते हैं, आपसे 3 मैक्सिमम प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वाइल ग्रेडिंग द कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम ए बेटिस एज मेंशन एट टू एक्ट टू शैल बी फॉलोड डिपेंडिंग अपॉन द कंडी। तो अगर आपके इनके भी यहाँ पे है, अब आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो आपने स्टडी करना चाहते हैं, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसकी आपको एक नॉलेज होना चाहिए, वो आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इसकी आपकी प्रॉपर मेरिट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। अब वैकेंसीज क्यों डिस्कस करते हैं कि किस डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज टू बी अनाउंस बाय पीएचडी प्रोग्राम फॉर सितंबर 2023, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, नेम ऑफ गाइड दिए गए हैं, डेजिग्नेशन है, सब्जेक्ट कौन कौन से है, एरिया ऑफ रिसर्च स्पेशलाइजेशन क्या है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या, बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया गया है कि आपके जो गाइड क्या होंगे, उनका डेजिग्नेशन क्या है, किस सब्जेक्ट में है, और आपका रिसर्च एरिया क्या रहेगा। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट में कितनी ओपनिंग है, उसको अच्छे से आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट हैं और मोर देन 300 सीट्स हैं, तो अलग अलग इनको आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, आप जैसे गोवा कॉलेज ऑफ म्यूज़िक है पेनाजी, उसके भी दिए गए हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पर आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, इसका भी दिया गया है। आप इसके जो प्रकाश बजरीकर है प्रोफेसर हैं, कौन कौन है लिटरेसी क्रिटिसिज में 3 ओपनिंग है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, कोई भी वो नहीं है। आप एक बार फॉर्म फिल करने से पहले अच्छे से एक बार पूरा ब्रोशर है उसको रीड आउट कर लेना, और इसका रिजर्वेशन भी दिया है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स जो है वो रिजर्वेशन है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो फ्रेंच में 5 है, पर एससी में कोई रिजर्वेशन, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी में 1 है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 1 है। तो टोटल यहाँ पर 3 सीट रिजर्व है और 2 आपकी जो है वो अनरिजर्व है, टोटल 5 सीट है। तो इस प्रकार अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज एक बार देख सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मैनेजमेंट स्टडीज़ में आता हूँ गोवा बिजनेस स्कूल, तो यहाँ पर टोटल 12 सीट हैं, उसमें से आपकी 1 एसटी की है, 3 ओबीसी की है, 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की है, और ये तो आपकी टोटल 6 सीटें हैं वो आपकी रिजर्व हैं और 6 आपकी अनरिजर्व हैं। ये तो इनको आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू।